गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड के खुटवनिया गांव में होने वाले हनुमत प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 7 दिवसीय महारुद्र महायज्ञ का योजना किया गया है। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। वहीं इस यज्ञ में कई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संतों का आगमन होने वाला है। साथ ही 51,000 कन्याओं द्वारा जल भरी कर यज्ञ की शुरुआत किया जाएगा। वहीं कथावाचक के रूप में देवकी नंदन जी महाराज गौरांगी गौरी का आगमन होगा। आपको बताते चले कि यज्ञ समिति के अध्यक्ष पूर्व मुखिया भूपेंद्र चौबे ने बताया, खुटनिया गांव में करीब 1 करोड़ की लागत से सीता जानकी, हनुमान जी और शंकर भागवा के अलावा कई देवी देवताओं की भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। आकर्षक और भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 7 दिवसीय महारुद्र महायज्ञ को भव्य तरीके से आयोजित की जाएगी। इसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। 8 मार्च को जल भरी के साथ यज्ञ की शुरुआत की जाएगी। वहीं 14 मार्च को पूर्णावती के बाद यज्ञ का समापन होगा। इसको लेकर बनारस से 51 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ में वैदिक मंत्रों से यज्ञ को सफल बनाएंगे, जबकि पीताम्बरा पीठ के पीठाधीश्वर महर्षि सेवानंद परमहंस और विशंबर दास जी महाराज उपस्थित रहेंगे। अयोध्या से यज्ञ के महंत ब्रिजमोहन दास के अलावा यज्ञाचार्य के रूप में प्रोफेसर शैलेश मणि त्रिपाठी रहेंगे। यज्ञ समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र चौबे ने बताया कि इस यज्ञ में करोड़ों लोगों की पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही इसको सफल बनाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल और वॉलेंटियर को तैनात किया जाएगा। भूपेंद्र चौबे, खुटवनिया उचका गांव पंचायत, पूर्व मुखिया हम हैं। यहाँ पर रुद्र महायज्ञ हो रहा है। यहाँ प्रोग्राम प्राण प्रतिष्ठा हनुमान जी का है, परशुराम जी का है, दुर्गा जी का है, शिव जी का है, शिव परिवार का है, अनेक देवता का यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। हमारे समिति द्वारा देवकीनंद जी आ रहे हैं, देवकीनंद ठाकुर जी आ रहे हैं, गौरांगी जी आ रही है, शैलेश मणि त्रिपाठी आचार्य हैं इस जग का, वो आ रहे हैं, और संत महात्मा विशेष लोग आ रहे हैं, अयोध्या से, वृंदावन से, अनेक जगह से आ रहे हैं। हम लोग व्यवस्था हर चीज़ के किए हैं। हमारा वॉलंटियर भी है, पुलिस प्रशासन के भी हम लोग अपना अथि दे दिए हैं। जब कब से शुरू हो रहा है? 8 मार्च 2024। पूर्णावती 14 मार्च 2024। पंडाल भी बना हुआ है? हाँ, पंडाल बना हुआ है, सब सही है। खाने पीने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था सब उपलब्ध है। कहेंगे नहीं ऐसे भाई, हम यहाँ पे कोई नेता बन के नहीं भाई, इस गांव का चाहे इस क्षेत्र का बेटा या भतीजा बन के हम लोग रहते हैं। और अभी हम जा रहे थे तो देखा कि वहाँ पे काम हो रहा है और 8 तारीख से यहाँ पे जग शुरू होने वाला, 8 से 14। वही क्या कहते हैं, जांच दिख करने आ गए यहाँ पे, सब सही से चल रहा है ना? बिल्कुल, मतलब इस जग को हम लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने बहुत मेहनत किया इस जग के लिए, तो लोगों से प्रार्थना करूँगा कि इस जग को सफल बनाने में आप सब यहाँ पर आकर दर्शन कर और भगवान से आशीर्वाद लेकर इस जग को सफल बनाएं। मेरा नाम पंडित जनकदेव शास्त्री है और मैं श्रीधाम अयोध्या जी से चल करके आया हूँ। इस पवित्र स्थल पर, इस खुटवनिया गांव में, यह जो विशाल ऐतिहासिक महायज्ञ होने जा रहा है 8 मार्च से 14 मार्च तक, इस यज्ञ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कथावाचक श्री देवकीनंदन ठाकुर जी और अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका श्री गौरांगी जी, यह दोनों हमारे इस यज्ञ के अध्यक्ष जो माननीय हमारे भूपेंद्र चौबे जी हैं, जो दिन रात करके एक पैर पर और इस गांव के बालकों को लेकर, नौजुवकों को लेकर और बूढ़े पुरनिये जितने लोग हैं सबको लेकर के दिन रात एक पैर पर खड़े होकर के इस जग की संपूर्णता के लिए लगे हुए हैं। धन्य है इनके माता पिता। और यह यज्ञ कुचायकोट प्रखंड के खुटवनिया गांव में, आपने देखा होगा कितना भव्य जो है यह मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर के बनाने से लेकर के और यह यज्ञ कराने तक पूरे गांव के सहयोग से
और श्री भूपेंद्र चौबे जी जो पूर्व मुखिया हैं, इनका अथक प्रयास का यह फल है कि यह यज्ञ हो रहा है। बहुत विशाल यज्ञ की विशेषता है महाराज, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। यज्ञ का अर्थ ही है विश्व कल्याण, हम विश्व कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं। वसुधैव कुटुम्बकम का जो भाव है, इस वसुधा पर रहने वाले जितने कीट पतंग पशु पक्षी नर नारी जितने लोग हैं, सबका कल्याण हो इस यज्ञ से, यही इस यज्ञ का उद्देश्य।